أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم فرش مجلس پہ عقیدہ ہے عزاداروں کا مادر حضرت شبیر یہیں آتی ہے فرش مجلس پہ عقیدہ ہے عزاداروں کا مادر حضرت شبیر یہیں آتی ہیں اور منتقل ہوتا ہے بس خلد میں اپنے گھر سے منتقل ہوتا ہے بس خلد میں اپنے گھر سے حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی حضرات آج کی یہ مجلس عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے جوان سال فرزند کے سلسلے کی ہے جس نے اپنی مختصر سی زندگی مگر بڑی معتبر اور بڑی مکمل گزاری خاندان مظفر حسین جعفری کا چشم و چراغ جناب زاہد جعفری کا نور نظر ابھی دن ہی کیا تھے ابھی عمر ہی کیا تھی بھری جوانی میں
पूरे खानदान को दाग दे दिया। ये दाग एक ऐसे नासूर की सूरत में पूरे खानवादे को मिला है जिसका भरना बहुत मुश्किल है। आह, उन 9 अगस्त सन 2011 की सुबह ऐसी कयामत खेज आई जब ये फर्जंद, जब ये मौला का आजादार, जब ये परवरदगार का खूबसूरत इबादत गुजार अपने घर से उसूल इल्म के लिए निकला, रास्ते में नागहानी एक्सीडेंट का शिकार हुआ और फरिश्ते अजल ने उसे पढ़ के लपक लिया। ये सच है, मौत सबको आनी है, किसी को मौत से मफर नहीं है, किसी को मौत से फरार नहीं है, मगर कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिसका तसव्वुर भी कर लिया जाए तो आंखें नमदीदा हो जाती। तकी जाफरी ये वो नौजवान था जिसने हमेशा दीन की राह में इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, खिदमतें की। अफरादे खानदान जानते हैं कमसिनी में ही उसके अंदर खिदमत का वो जोश और वो जज्बा और वो वलवला था कि जब उसे बुजुर्गाने खानदान की तरफ से पॉकेट मनी के तौर पर थोड़े से पैसे मिलते थे उसके अपने खर्च के लिए, मगर वो देखता था कोई जरूरतमंद है, कोई नीडी है, तो वो अपने पैसे निकालकर उस जरूरतमंद की हाजत को पूरी कर दिया करता था। ऐसा जज्बा, ऐसा खिदमत गुजारे खालक दुनिया से रुखसत हो गया। हां, तकरीबन 10 बरस का अरसा गुजर गया, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये नौजवान अभी चंद दिनों पहले हमारे दरमियान से रुखसत हुआ। उसकी मोहब्बतें, उसकी बातें, उसकी शफकतें, उसकी खिदमतें, उसकी इबादतें सब निगाहों के सामने आईने की तरह नजर आती। बड़ा भाई मौजूद है, उससे पूछिए, भाई का बिछड़ जाना तुम्हारे ऊपर कैसा गुजर रहा है? आवाज देगा, वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरी औलाद की तरह था। मौका मिलता था मैं उसे डांटता भी था, मैं उसे मारता भी था, मैं उससे जो कुछ कहता था, कभी उसने पलट के जवाब नहीं दिया। बड़ी खंदा पेशानी के साथ हर बात को सुनना, हर बात पे अमल करना। हाँ, ऐसा भाई बिछड़ जाए तो यकीनन भाई के लिए एक अजीम सदमा है। बाप से शफकतों के साथ, मोहब्बतों के साथ पेश आने वाला, मां से एक दोस्त की तरह सोबत करने वाला, गुफ्तगू करने वाला वो नौजवान के जिस पर बाप को इतना भरोसा हो कि कमसिनी में अपना बिजनेस पार्टनर बना ले और बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां उसके हवाले कर दें और वो जो फैसला कर ले उसे सब कबूल कर ले। हालत सौम में घर से निकला, रोजा रख के घर से बाहर निकला, रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हुआ। तालीम हासिल करने के लिए जा रहा था। यकीनन मासूमीन की हदीस है, जो शख्स अपने घर से हुसूले इल्म के लिए निकले रास्ते में फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं, और ऐसे आलम में अगर उसकी शहादत वाकई हो जाए तो बेशक वो दर्जे शहादत पर फायज होता है। अब इस हदीस की रोशनी में कह सकते हैं तकी शहीद मरा है, और यकीनन शुहदाए राह खुदा के लिए मौत का तसव्वुर भी मुहाल है। لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون। राय खुदा में जो रुखसत हो जाते हैं, हरगिज हरगिज उन्हें शहीद गुमान भी ना करना, तसव्वुर भी ना करना, सोचना भी नहीं, वो जिंदा है। हमें यकीन है
तकी आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अलबत्ता हमारा बिछड़ने वाला जब हमसे बिछड़ जाता है तो हम उसकी याद में मजलिसें बर्पा करते हैं, अपने गमों को गमे हुसैन में तब्दील कर देते हैं। यही हमारे लिए सुकून कल्ब का जरिया है। बिना बरी आज की यह मजलिस तरहीम तकी अली जाफरी कई साल सवाब की बर्पा की गई है, और उसी के साथ साथ वो जिस खानवादे की फर्द थे, एक अजीम शख्सियत जनाब मुजफ्फर हुसैन जाफरी, एक अजीम शख्सियत, निडर, बेबाक, खौफ खुदा रखने वाला, इबादत गुजार, परहेजगार, उसकी शख्सियत भी मोहताज तारुफ नहीं है खानवादे के लिए। उनके साथ साथ उनकी अहलिया मोहतरमा वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो खातून जो देर देर तक मुसल्लाए इबादत पर बैठकर नमाजें, इबादत, दुआएं करने वाली, आज पूरा खानदान उनकी शफकतों से महरूम हो गया। हम इन सब की तरबीय रूह के लिए सिर्फ ईसा ले सवाब कर सकते हैं, और ईसा ले सवाब का बेहतरीन तरीका मजलिस अज़ीज़ शुहदा का इनेकाद है। आइए हम इस मजलिस के आगाज में गुजारिश कर रहे हैं जमा साल शायर अहले बैत और मद्दा अहले बैत जनाब सागर साहब बनारसी से कि वो अपनी खूबसूरत आवाज में बारगाह अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम में खराज अकीदत पेश करें ताकि मजलिस का बाकायदा आगाज किया जा सके और हम खतीब मजलिस को ज़हमत दे सकें। समाअत फरमाए मोहतरम जनाब सागर साहब बनारसी को आप हजरात नारे सलावात से इस्तकबाल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मतला हज़र करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। कोई शबीरो नवासा हो नहीं सकता, कोई शबीर बरसा नवासा हो नहीं सकता। रसूल अल्लाह जैसा कोई नाना हो नहीं सकता। रसूल अल्लाह जैसा कोई नाना हो नहीं सकता। दिखाया कयामत तक कभी पानी पे पहरा हो नहीं सकता। कयामत तक कभी पानी पे पहरा हो नहीं सकता। वफादारी जमाने में यही ऐलान करती है, वफादारी
ऐलान करती है वफादार अब कोई अब्बास जैसा हो नहीं सकता। और अदा जो कर दिया शब्बीर ने तीरों की छाँव में, अदा जो कर दिया शब्बीर ने तीरों की छाँव में, अदा उस शान का अब कोई सजदा हो नहीं सकता। अदा उस शान का अब कोई सजदा हो नहीं सकता। अदा उस शान का अब कोई सजदा हो नहीं सकता। मुलाज़ फरमाए, अरे नबी ओली से वफा कर रहे हैं, नबियों अली से वफा कर रहे हैं, रुख अपना सुवे करबला कर रहे हैं, रुख अपना सुवे करबला कर रहे हैं, रुख अपना सुवे करबला कर रहे हैं। और आशूर की सब ठहर जा जरा सा, ठहर जा जरा सा, आशूर की सब ठहर जा जरा सा, मुकद्दर का हुर फैसला कर रहे हैं, मुकद्दर का हुर फैसला कर रहे हैं। और जो राहिब की किस्मत में लिखा नहीं था, जो राहिब की किस्मत में लिखा नहीं था, सहे वाला वो भी अता कर रहे हैं, सहे वाला वो भी अता कर रहे हैं। और इसी शेर से दुआ चाहता हूँ कि परेशान क्यों हो हिरन जासे अपने, परेशान क्यों हो हिरन जासे अपने, मदद जब इमाम रज़ा कर रहे हैं, मदद जब इमाम रज़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थे मोहतरम जनाब सागर साहब बनारसी, जो खूबसूरत आवाज में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे और इन्होंने महफिल का माहौल, मजलिस का माहौल बना दिया, बज़्म को आरास्ता कर दिया। ख़तीब मजलिस को हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके कबल
अफराद खानदान की तसलियत के लिए मैं चंद अशआर हाजिर कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं कि मर्द मोमिन के लिए मौत है हक की रहमत, मर्द मोमिन के लिए मौत है हक की रहमत, मरने वाले को ये खालिक से मिला देती है। मर्द मोमिन के लिए मौत है हक की रहमत, मरने वाले को ये खालिक से मिला देती है। और पाक तीनत हो तो पाकीजा ख्यालात के साथ यही इंसान को इंसान बना देती है। मुलाहज़ा फरमाइए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तकी सल्लमों को खराज अकीदत पेश करने के लिए चंद अशआर हाजिर कर रहा हूं। यकीनन उनके वालिद मोहतरम, उनके अफराद खानदान, उनके भाई सब की तकवियत का बाइस बनेगा। मैं अर्ज करता हूं, मुलाहज़ा फरमाएं कि खुदा करे न किसी घर में हो जवान की मौत, खुदा करे न किसी घर में हो जवान की मौत। ऐसा भोला भाला चेहरा, ऐसी खूबसूरत तस्वीर, ऐसा प्यारा बच्चा कैसे निगाहों से ओझल हो सके, उसकी तस्वीर को हम कैसे भुलाएं। खुदा करे न किसी घर में हो जवान की मौत, जवान की मौत है दरअसल खानदान की मौत। खुदा करे न किसी घर में हो जवान की मौत, जवान की मौत है दरअसल खानदान की मौत। और हयात क्यों न हो कुर्बान ऐसे मरने पर, हयात क्यों न हो कुर्बान ऐसे मरने पर, महे सयाम में पाई तकीने शान की मौत। हयात क्यों न हो कुर्बान ऐसे मरने पर, मैं सयाम में पाई तकीने शान की मौत। और खिजा को कब हुआ एहसास इस हकीकत का, खिजा को कब हुआ एहसास इस हकीकत का, कि है चमन का उजड़ना भी बागबान की मौत। खजा को कब हुआ एहसास इस हकीकत का, कि है चमन का उजड़ना भी बागबान की मौत। और ये बात कोई हुसैन गरीब से पूछे, ये बात कोई हुसैन गरीब से पूछे, थी कितनी शाख ज़ईफ़ी में नौजवान की मौत। ये बात कोई हुसैन गरीब से पूछे, थी कितनी शाख ज़ईफ़ी में नौजवान की मौत, थी कितनी शाख ज़ईफ़ी में नौजवान की मौत। शेर मुलाहज़ा फरमाने, सारा शरफ ये खास है असहाबे शह की, असहाबे शह के दामन में शरफ ये खास है असहाबे शह के दामन में, निराली शान का जीना निराली शान की मौत। शरफ ये खास है असहाबे शह के दामन में, निराली शान का जीना निराली शान की मौत। और ये बात पूछे कोई जाके कल्बे सुगरा से, ये बात पूछे कोई जाके कल्बे सुगरा से, बहन को कितना सताती है भाई जान की मौत। ये बात पूछे कोई जाके कल्बे सुगरा से, बहन को कितना सताती है भाई जान की मौत। और नसीर शह की गरीबी ने कर दिया साबित, नसीर
शय की गरीबी ने कर दिया साबित, पेसर की मौत है दरअसल एक जहान की मौत। नसीर शय की गरीबी ने कर दिया साबित, पेसर की मौत है दरअसल एक जहान की मौत। खुदा करे न किसी घर में हो जवान की मौत, जवान की मौत है दरअसल खानदान की मौत। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। आइए अब मैं गुजारिश करूं खतीब मजलिस बरादर अजीज हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो रौनक अफरोज हों और इस मजलिस ईसाले सवाब को खिताब फरमाएं। खतीब अहले बैत हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद नदीम असगर रिजवी साहब क़िबला बनारस से आपके साथ शरीक है इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं। आप तमाम हजरात से इल्तमास है कि मिलजुल कर बावाज़े बुलंद नारे सलावात से इस्तकबाल फरमाएं खतीबे मजलिस का। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या गनाबदु या गनस्तगीन। अस्सलातु वस्सलामु अला लदीन अनअमत अलैहिम मिनल मुअमिनीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अलीयिल अज़ीम। حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير। بسم الله الرحمن الرحيم। الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम अल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्म लअन क़ातिलै फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين। أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنرى المعالم دينك व नुज़हिर अल-इस्लाह फ़ी बिलादिका व यामन अल-मज़लूमून मिन इबादिका व युमला बिफ़राइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम। आज की यह मजलिस चंद मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद की गई है जिसे बनारस के अदादार चैनल से नशर किया जा रहा है। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप तमाम हजरात इन मरहूमीन के लिए एक बार सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तलावत फरमा कर जनाब मरहूम सैयद तकी अली और जनाब मरहूम सैयद मुजफ़्फ़र हुसैन जाफरी मरहूमा अज़ीज़ुन्निसा बेगम और जुमला अमवात मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को ईसाल फरमा दें। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا يا رب. مجلس یوں تو ہے ایصال ثواب کی، لیکن چونکہ یہ ایام معرفت حسینی کے ایام ہیں، یہ ایام روح میں انقلاب پیدا کرنے کے ایام، یہ ایام فکروں کو عاشورائی بنانے کے ایام ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے فکر کربلا سے قریب ہو سکیں، اور فکر کربلا سے اسی وقت قریب ہوا جا سکتا ہے جب ہم ذکر کربلا کو سنیں اور ذکر کربلا کو منعقد کریں. لیکن اس سے پہلے صرف دو جملے میں ایصال ثواب کے سلسلے میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی اٹھتا ہے تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں. تو پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کن چیزوں سے ایصال ثواب کیا جائے؟ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ نے انسان کی ہر ضرورت کو ثواب بنایا ہے، اور جن چیزوں میں بھی ثواب پایا جاتا ہے، جن چیزوں میں بھی ثواب ہے اس سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. جتنی انسانی ضرورتیں ہیں ان سب کو اللہ نے ثواب بنایا، یہاں تک کہ جسے ہمارے اور آپ کے سامنے جو چیز بہت معمولی سی لگتی ہے، ایک انسان کو اگر پیاس لگے تو پانی پینا اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ خدا کتنا کریم ہے کہ اس نے اس تشنگی کے بجھانے کو بھی ثواب قرار دیا ہے. اور اگر انسان پانی نہ پیے اور اس پیاس کی بنیاد کے اوپر اس کی جان چلی جائے تو اس سے باز پرس کی جائے گی، اور یہ موت اس کی ہلاکت میں تبدیل ہوتی ہے. تو جہاں خداوند عالم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ثواب قرار دے رہا ہو، انسان کی ہر ضرورت کو جب اللہ ثواب قرار دے رہا ہے، تعلیم ہو اس میں ثواب، رزق کے حلال کمانا ہو اس میں ثواب، کسی بزرگ کی مدد کرنی ہو اس میں ثواب، کسی بیوہ کے کام آ جائے اس میں ثواب، کسی یتیم کی پرورش کر دے اس میں ثواب، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے اس میں ثواب، کسی نادار کی مدد کر دے اس میں ثواب، کوئی حاجی کوئی زائر آ رہا ہو اس کے استقبال کو چلا جائے اس میں ثواب، کسی زائر کو خدا حافظی کرنے چلا جائے اس میں ثواب، کسی عالم کے چہرے کو دیکھے اس میں ثواب. جب ان تمام چیزوں میں اللہ نے ثواب رکھا ہے تو پھر انسان سوچے کہ وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے، پھر ان کی معرفت میں کتنا ثواب ہوگا، ان کے ذکر میں کتنا ثواب ہوگا. یہی تو وجہ ہے علی کا ذکر بھی عبادت قرار دیا گیا، علی کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا، علی کے بارے میں سوچنا بھی عبادت قرار دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں انسان کو مہیا کی گئی ہیں، اس سے انسان ایصال ثواب کر سکتا ہے. مگر
हर शख्स ये चाहता है कि जिससे मोहब्बत करता है उसको जो कीमती से कीमती तोहफा हो सके वो दे सके। यही साले सवाब एक तोहफा ही तो है। जो इंसान अपने मरहूमीन को इरसाल करता है ये तोहफा है। हर आदमी ये चाहता है कि अपने चाहने वाले को जितना जिससे मोहब्बत है उसको उतना कीमती तोहफा दिया जाए। तो तमाम चीजों में सबसे कीमती शय क्या है? जितनी भी चीजें हैं इनको अगर हम अंजाम देके इसका सवाब भेजें तो हर शय को लेने के लिए उसका सवाब एक फरिश्ता आएगा। मगर जब हम मजलिसे हुसैन में आंसू बहाते हैं तो इन आंसुओं को लेने के लिए अब फरिश्ता नहीं आता, खुद फातिमा आती हैं, अपने रूमाल में लेके जाती हैं। लिहाजा सबसे कीमती जो तोहफा है अपने मरहूमीन के लिए वो यही मजलिसे हुसैन है। और क्यों ना हो, इसी के इसलिए कि इन ही मजलिसों के जरिए से इंसान शरीयत को समझता है, शरीयत को महफूज करता है। आज हमारे पास दीन जो कुछ भी है वो सब इन्हीं मजलिसों की देन है, जो आम तौर पे अवाम के दरमियान जो दीन पाया जाता है, जो तारीखी मालूमात पाई जाती हैं, जाहिर है जाती मुतालिया नहीं है मगर ये फर्श अज़ा की देन है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे कौम के नौजवानों को, हमारे कौम के जवानों को दीन मिल रहा है। और ये सब उसी करबला का सदका है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम करबला शनास बने। जितना इंसान करबला से करीब होता चला जाएगा उतना ज्यादा अपने हदफ़े खिलकत से करीब होता चला जाएगा, अपने तखलीक से करीब होता चला जाएगा। हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? खुदावंद आलम ने यह पूरी कायनात किस लिए पैदा की? दोनों जवाब खुद खुदा ने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सख़र लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीनों आसमान में है ये सब है इंसान हमने तेरे लिए पैदा किया। तो इस हजरत इंसान को किस लिए पैदा किया? अब खुदा कह रहा है ममा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन इंस को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें, मेरी मारिफत हासिल करें। तो सारी कायनात को हमारे लिए, हमको मारिफत खुदा के लिए, मारिफत खुदा के लिए, तो मारिफत अल्लाह की हम कैसे हासिल करें? किस तरीके से खुदा को पहचाने? तो अल्लाह ने कुछ शख्सियतें पैदा की कि जो अल्लाह की मारिफत का जरिया और सबब बने। कौन है वो? आले मोहम्मद है। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने आले मोहम्मद पैगंबर इस्लाम और उनकी आल का नूर खल्क किया। हदीस कुदसी, जाहिर मुझे इन मसाइल में तमीदी मंजिल में ज्यादा वक्त नहीं लेना। तो ये अल्लाह की मारिफत के लिए है ना। अब फिर एक मरहला, हम दीन के उसूल को अगर समझें, हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए, नमाज है अल्लाह की इबादत, रोज़ा है अल्लाह की इबादत, हज है अल्लाह की इबादत, ये सारी चीज़ें अल्लाह की पैरवी करना, उसके हुक्म की पाबंदी करना, यही है अल्लाह की इबादत। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की इबादत हैं। और करबला किस लिए है? नमाज को बचाने के लिए, रोज़े को बचाने के लिए, हज को बचाने के लिए। तो इंसान अपने हदफ़े खिलकत को नहीं पा सकता अगर करबला ना हो। लिहाजा हमको करबला से करीब होना पड़ेगा। करबला क्या है? इमाम हुसैन बताएंगे, सरकार सैयदुश्शहदा आवाज़ दे रहे हैं।
اے خدا تو جانتا ہے کہ میں نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی، پھر کس لیے بنائی؟ ولیکن لنری المعالم دینک، ہمیں تو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے، ہم نے کربلا بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے، ونظہر الاصلاح فی بلادک، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی کام انجام دیے جا سکے، ویامن المظلومون من عبادک، اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے، ویعملا بفرائدک وسنتک واحکامک، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے، تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے۔ تو دین کی قدروں کی حفاظت اور دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے حسین نے کربلا بنائی ہے۔ تو اب ہمارا فریضہ خود معین ہو رہا ہے، اب جو حسینی ہوگا، جو عاشورائی ہوگا، جو کربلائی ہوگا، اس کے ہر عمل میں پہلے دین ہونا چاہیے، دین کی ویلوز اس کی نگاہوں میں ہونی چاہیے، دین کے اقدار اس کی نگاہوں میں ہونے چاہیے، تب اس کے بعد کوئی عمل انجام دیا جائے گا۔ اگر دین پہلے نہیں ہے تو پھر وہ کربلائی نہیں ہو سکتا، وہ عاشورائی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے افراد ہیں، چاہے وہ اصحاب ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، چاہے اولاد ہوں، جتنے بھی خیمہ حسینی میں افراد پائے جا رہے ہیں، ان میں ہر ایک کی نگاہ میں دین مقدم ہے، دین پہلے ہے۔ جو کام کیا جا رہا ہے وہ دین کے لیے کیا جا رہا ہے، اپنے لیے کوئی کام نہیں ہے، ورنہ اگر اپنے لیے ہوتا، فکر اپنی ہوتی، تو جب حسین نے چراغ بل گیا تھا تو سب چلے جاتے، مگر دین کو مقدم رکھا، اپنی جان پہ دین کو مقدم رکھا جا رہا ہے، اپنی آل اولاد پہ دین کو مقدم رکھا جا رہا ہے۔ تو جو کربلائی ہوگا وہ دین کو مقدم رکھے گا، دین کے قدروں کو مقدم رکھے گا۔ کیسے کیسے افراد ہیں کربلا میں، حسین مظلوم کہہ رہے ہیں ہم نے دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے کربلا بنائی، اور یہ بات آپ اور ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جیسا ہدف اور مقصد ہو ویسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جس طریقے کے ہمارے مقاصد ہوں گے ہم ویسے ہی افراد کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثلا ہمیں ایک بچے کو قرآن پڑھانا ہے تو ہم کیا کریں گے، مقصد ہے قرآن کی تعلیم، تو کیا ہم کسی فزکس کے ٹیچر کو لے آ کر کے اس سے قرآن پڑھوائیں گے؟ نہیں، چونکہ مقصد قرآن کی تعلیم ہے، لہذا کسی ایسے مدرس کا انتخاب کیا جائے گا کہ جو قرآن کے اوپر عبور رکھتا ہو۔ لیکن ہم کو فزکس پڑھوانی ہو تو کیا ہم کسی انجینئر، کسی میتھ کے ٹیچر کو پکڑیں گے؟ ہم کو فلسفہ پڑھوانا ہے تو کسی فقہ کے ٹیچر کو، مدرس کو پکڑا جائے گا؟ نہیں، جیسا ہدف ہو ویسے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہمیں اگر اپنے ایک بچے کو پڑھانا ہو تو جیسی تعلیم دینی ہے، جیسا ہمارا مقصد ہو، ہم ویسے ٹیچر اور ویسے مدرس کا انتخاب کرتے ہیں۔ حسین ایک ایسا مکتب بنانے جا رہے ہیں جو پوری بشریت کے لیے ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے، جس مکتب میں جوان بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گی، بچیاں بھی ہوں گی، ایسے مکتب کو کہ جسے قیامت تک لوگوں کے لیے جو پیغام رکھنے والا ہے، تو پھر وہاں جو آ جائے اسے حسین اپنے خیمے میں لے آئیں گے؟ نہیں، پھر وہاں انتخاب کیا جائے گا، منتخب کیا جائے گا کیسے افراد چاہیے۔ چونکہ ہم بشریت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہے ہیں، تو پھر کوئی ایسا شخص حسین کے لشکر میں شامل نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے خود اپنے نفس کی اصلاح نہ کی ہو۔
कोई ऐसा शख्स शामिल ही नहीं किया जा सकता दीन की हिफाजत के लिए करबला बना रहे, तो ऐसा शख्स हुसैन के लश्कर में शामिल नहीं होगा कि जिसके अंदर खुद अभी दीन फहमी की सलाहियत ना हो। हुसैन वजीफा शनास बनाने के लिए कौम को करबला बना रहे हैं, तो यह मुमकिन ही नहीं है कि किसी ऐसी शख्सियत को, किसी ऐसे फर्द को लश्कर में शामिल कर लिया जाए जो खुद अपने फरीजे को पहचानता ना हो। और हुसैन ने यही पहचानवाने के लिए, कायनात को बताने के लिए कि देखो हमारे कैसे कैसे नासिर हैं, देखो हमारे जानेसार कैसे कैसे हैं, चिराग गुल किया। सिर्फ चिराग गुल नहीं किया बल्कि उनके हाथों में बहाने दिए, कहा अगर तुमको तन्हा जाने में शर्म महसूस होती है औरतों और बच्चों को लेके चले जाओ। कोई खैमा हुसैनी से उठा? हुसैन के खैमे से कोई नहीं उठा, मगर हुसैन के खैमों में आवाज जरूर उठी। जनाब नाफे इब्ने हिलाल खड़े हो गए और आवाज देते हैं, वल्लाही मा करहना लिका रब्बे, ए मेरे मौला खुदा की कसम हम अपने खुदा से मुलाकात में कोई कराहियत महसूस नहीं कर रहे हैं, यानी मौत की हमें कोई परवाह नहीं है। इन्ना अला नियातेना व बसायरेना, हम अपनी नियतों में मुस्तहकम हैं, हम बसीरत के साथ आए हैं, यानी हमें मालूम है कि हमारा वजीफा क्या है, हमें मालूम है कि हमको करना क्या है, हमें मालूम है कि हमें इस वक्त चिराग गुल होने के बाद उठ के चला जाना है या फर्जंदे जहरा की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आवाज देते हैं, नुआली मन वालाक व नुआदी मन आदाक, ए मेरे मौला जो आपसे मोहब्बत कर रहा होगा उससे हम मोहब्बत करेंगे, जो आपका दुश्मन होगा उससे हम दुश्मनी मोल लेंगे, वो हमारा दुश्मन होगा, नुआदी मन आदाक हम उससे दुश्मनी करेंगे। क्या मतलब? ये जुमले बता रहे हैं कि ये वो अफराद हैं कि जो गदीर को समझ चुके थे। ये जुमले क्या हैं? जो इमाम अमीर कायनात की विलायत के ऐलान के वक्त पैगंबर इस्लाम ने दुआ की थी, उस दुआ को उठा के देखिए और नाफे इब्ने हिलाल के जुमले देखिए। वहां कल पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा था? अल्लाहुम्मा वाले मन वालाक व आदे मन आदाक वंसुर मन नसरा वखदुल मन खदला, ए मेरे परवरदिगार जो अली से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर, जो अली को दुश्मन रखे उससे तू दुश्मनी रख, जो अली की नुसरत करे उसकी तू नुसरत कर, जो अली को रुसवा और जलील करना चाहे उसे तू रुसवा और जलील कर दे। आज जनाब नाफे इब्ने हिलाल ये कह रहे हैं, नुआली मन वालाक, जिससे आपकी मोहब्बत होगी उससे हमारी मोहब्बत होगी। क्या मतलब? इसलिए कि हम जानते हैं कि जो आपसे मोहब्बत कर रहा होगा वही मोहब्बत खुदा उससे मोहब्बत करेगा, जो आपकी मोहब्बत में जान देगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, जो आपकी नुसरत करेगा अल्लाह उसका नासिर बनेगा, जो आपको जलील और रुसवा करना चाहता होगा अल्लाह उसे जलील और रुसवा कर देगा, जो आपसे दुश्मनी रख रहा होगा वो दरवाजे खुदा का दुश्मन होगा। कौन है कि जो इन तमाम हकायक को पहचानने के बाद खुदा से दुश्मनी को तैयार हो जाए? इसलिए कि कायनात ने देखा है, जो खुदा के मुकाबले में आ गया हुक्म खुदा के मुकाबले में वो कयामत तक के लिए लानती हो गया। हर मुसलमान उस पर लानत पड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि ये हुक्म खुदा के मुकाबले में आ गया और ये पहचानते हैं कि जो अहले बैत का हुक्म है वो वही खुदा का हुक्म है। लिहाजा हम अपनी बसीरतों के साथ करबला में आए हैं और ये मजलिसें हमसे इसी बात का मुतालबा करती हैं।
कि हम अपने अंदर वो शऊर पैदा कर सकें, वो बसीरत पैदा कर सकें। जो बसीरत कल शोहदाए करबला के पास पाई जा रही थी, वरना चाहने का दावा, हम मोहब्बत करते हैं, ठीक है मोहब्बत करते हैं, ये तकसीम तो खुद हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने, जब उनकी बज में गुफ्तगु हो रही है, लोग बैठे हुए, बहस ये हो रही है कि इमाम के चाहने वाले कैसे हैं, इमाम का चाहने वाला इमाम की तरफ मुतवज्जे हुआ, मौला हम लोगों में गुफ्तगू ये हो रही है कि आपके चाहने वाले कैसे हैं। इमाम ने फरमाया हमारे चाहने वाले तीन किस्म के हैं, युहिब्बूना फिस्सर्रा वलम युहिब्बूना फिल अलानिया, तबकतुन युहिब्बूना फिल फिस्सर्र वलम युहिब्बूना फिल अलानिया। एक किस्म उनकी है कि जो हमसे तन्हाई में तो मोहब्बत करते हैं लेकिन मजमा आम में मोहब्बत नहीं करते, व तबकतुन युहिब्बूना फिल अलानिया वलम युहिब्बूना फिस्सर, और दूसरा तबका वो है कि जो हमसे मजमा आम में तो मोहब्बत करता है लेकिन तन्हाई में मोहब्बत नहीं करता, व तबकतुन युहिब्बूना फिस्सर वल अलानिया, और उसमें से एक तबका वो है कि जो हमसे तन्हाई में भी मोहब्बत करता है और मजमा आम में भी मोहब्बत करता है। अजीजान ईमान, अगर इनकी मिसालें देखना हो तो आपको करबला के मक्तल में मिसाल मिलेगी, बहुत से ऐसे अफराद मिले तारीख में कि जो तन्हाई में तो मोहब्बत कर रहे थे लेकिन मजमा आम में मोहब्बत नहीं करते थे। राह कूफा के दौरान इमाम का काफिला जब आ रहा था करबला की तरफ, तो कूफे के रास्ते में, मक्के से कूफे के रास्ते में जनाब फरजदक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। मौला ने कहाँ से आ रहे हो? कहा मौला कूफे से आ रहे हैं। कहा क्या है हालात? कहा मौला कुलूबहुम मात वसुयूफहुम अलैक, मौला उनके दिल आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। क्या मतलब? यानी ये वो अफराद हैं कि जो तन्हाई में तो मोहब्बत करते हैं लेकिन उनमें इतनी जुरत नहीं है कि इब्ने ज़ियाद के सामने खड़े होकर कह सकें कि हुसैन हक पे हैं, उनमें इतनी जुरत नहीं है कि वो मजमे आम में हुसैन की मोहब्बत का इजहार कर सकें। और कुछ वो हैं जो मजमे आम में इजहार मोहब्बत करते हैं लेकिन तन्हाई में हमें नहीं चाहते। क्या मतलब? मजमे में रहते हैं, हम मौलाई हैं, हम अली वाले हैं, मजलिस में हैं तो हम मोहब्बत कर रहे हैं, अहले बैत के अक्वाल को सुनते हैं खुश होते हैं, अहले बैत की बातों को सुनते हैं खुश होते हैं, लेकिन जब तन्हा बैठे हुए तो अहले बैत ने क्या कहा इसका ख्याल नहीं है। हम अपनी तन्हाई में, अपनी खलवत में अपने साथ अहले बैत को नहीं रखे, अपनी तन्हाई में हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो अहले बैत को पसंद हो। अगर हम ऐसा करें कि हमारी खलवत वहां हम वो काम कर रहे हो जो अहले बैत को नहीं पसंद है, तो फिर आप सोच लीजिए कि हम किस कैटेगरी में हैं। लेकिन तीसरी जो किस्म है, यही बूना फिसर वाला लानिया, ये हमको तन्हाई में भी चाहते हैं, ये हमको
मजमे आम में भी चाहते हैं। ये वो अफराद हैं कि जिनको तारीख ने कभी मीसम के नाम से याद किया, कभी मकदाद के नाम से याद किया, कभी अम्मार के नाम से याद किया, कभी हबीब के नाम से याद किया, कभी नाफे के नाम से याद किया, कभी अब्दुल्ला इब्ने यक्तर के नाम से याद किया। ये वो अफराद हैं कि जिनका किरदार मुख्तलिफ नहीं होता। ये हुसैन को तन्हाई में भी पसंद करते हैं, मजमे आम में भी पसंद करते हैं। नहीं, शोहदाए करबला की गुफ्तगू क्या की जाए। मौला ने किस्म बयान की कि कुछ वो लोग हैं कि जो हमको तन्हाई में भी चाहते हैं, मजमे आम में भी हमारी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन शोहदाए करबला इन मंजिलों से भी आगे हैं। इसलिए कि कुछ अफराद हयात तक मोहब्बत का इजहार कर पाते हैं, मगर शोहदाए करबला वो हैं कि जब हुसैन मजलूम ने असर आशूर आवाज दी है हल मिन्ना सरीन यंसुरोना, तो कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही थी, मौला मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना अगर फिर हमें हयात मिले तो हम अपनी जान आप पे कुर्बान करने को तैयार। लिहाजा हमको चाहिए कि हम अपनी हयात को शोहदाए करबला की हयात के आईने में संवारने की कोशिश करें, ताकि हम वाकई करबलाई बन सके। कैसे कैसे अफराद हैं तारीख बयान कर रही है कि कूफे में हर तरफ पाबंदी लग गई, आने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब चाहने वाला आ कैसे रहा है। आता है पिसरे साथ के लश्कर में शामिल होता है। आप जरा सोचें, कूफे से लेके करबला तक पिसरे साथ के लश्कर में आ रहा है, इश्क हुसैन अपने सीने में है, इश्क मोहम्मद और आले मोहम्मद दिल में लिए हुए है, और वो आ रहा है किस लिए? हुसैन की नुसरत के लिए। क्यों? इसलिए कि अगर हम इस लश्कर से जुदा होकर तनहा आना चाहें तो फिर हुसैन की नुसरत नहीं कर पाएंगे। लिहाजा पिसरे साथ के लश्कर के साथ करबला में आया, और करबला में आने के बाद अब इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ आता है, इमाम की खिदमत में आता है और आके आवाज देता है, मौला हम इस तरीके से कूफे से यहां तक आए हैं। मौला गले से लगा लेते हैं। आप जरा पहचाने, इसका मतलब यह है कि अपने फराइज को इंसान पहचान ले तो फरीजे को मुकम्मल करने के लिए राहें तलाश करता है, बहाने अपने साथ रख के अपने वजीफे को टालने की कोशिश नहीं करता। जो वाकई हुसैनी होता है वो अपने फराइज को अंजाम देने के लिए बहाने ढूंढता है, अपने फराइज को टालने के लिए बहाने को सिपर नहीं बनाता। बस अजीजान ईमान, मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना है, जवान की मजलिस है। अल्लाह उस घराने को सब्र अता करे कि जिसने अपना एक जवान बेटा खो दिया, लेकिन ये जवान कितना ही अजीज रहा हो, मगर अली अकबर के जैसा ये जवान तो न था। जरा हुसैन के दिल से पूछिए कि जिस वक्त हम शक्ल पैगंबर के सीने पे बर्छी का फल लगा होगा, उस वक्त हुसैन की क्या कैफियत हुई होगी। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। ए आज़ादारो, बड़ी सख्त मंजिल होती है जब बेटा जैसे जैसे जवान होता है ना, माओं के दिलों के अरमान जवान होने लगते हैं, बहनों के दिल की आरजुएं जवान होने लगती हैं, माएँ ख्वाब देखने लगती हैं कि अपने लाल के सर पे हम सेहरा सजाएंगे, चांद सी दुल्हन लेके आएंगे, बहनें अपने भाई की शादियों के अरमान सजाने लगती हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह
करबला में ना तो लैला अपने लाल के माथे पे सेहरा सजा सकी और ना सुगरा अपने भाई की शादी के अरमान को पूरा कर सकी। आज़ादारो, तारीख कहती है कि जिस वक्त अली अकबर जंग लड़ते लड़ते एक नामी गिरामी पहलवान से मुकाबला होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिज़ा से कहते हैं, फिज़ा जाओ लैला से कहो कि अली अकबर के हक में दुआ करे, इसलिए कि माँ की दुआ बच्चों के हक में रायगा नहीं होती। आज़ादारो, करबला के मक्तल में इमाम हुसैन ने जवानों को एक पैगाम दिया, अगर तुम अली अकबर के ग़ुलाम हो तो याद रखना अपनी माँओं की दुआओं के मुस्तहक बनना, बददुआओं के मुस्तहक न बनना। अब लैला ने अजीब आलम में दुआ की, आवाज़ दी होगी, ए यूसुफ़ को याकूब से मिलाने वाले मेरे यूसुफ को भी हुसैन से मिला दे। लो आज़ादारो, अली अकबर मक्तल से फाते होकर के इमाम की खिदमत में आए, ए बाबा, ए बाबा, इस वक्त प्यास की बुनियाद के ऊपर ये लोहे की ज़रा, ये तमाम चीज़ें हमें तकलीफ पहुंचा रही हैं, मेरे बाबा सीना जल रहा है, अगर एक चंद कतरे आप मिल जाए तो अभी हम इनको बताएं कि बनी हाशिम के जवान कैसे जंग करते हैं। ए आज़ादारो, ये रिवायत पढ़ देना बहुत आसान है, लेकिन ज़रा सोचिए तो कि बाप से बेटा एक आरजू कर रहा है, वो भी किस चीज़ की, पानी की आरजू कर रहा है, मगर अल्लाह अल्लाह गुरबत हुसैन के एक मरतबा हुसैन ने सर को झुका लिया, मेरे लाल पानी तो नहीं है, लेकिन ए मेरे लाल ला अपनी जबान मेरे दहन में डाल दे। अब जो अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के दहन में डाली और डालने के बाद जबान खींच ली, ए मेरे बाबा आपके गले में तो मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। लो आज़ादारो, अली अकबर मक्तल फिर वापस जाते हैं, हुसैन ने एक अंगूठी अली अकबर को दी, ए अली अकबर इसे मुंह में रख लो शायद कुछ तस्कीन मिल जाए। अली अकबर मक्तल में आए, दोबारा जंग शुरू की, एक मर्तबा आवाज दी, बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल करो। अरे हुसैन ठोकरे खाते हुए अली अकबर के सरहाने पहुंचे, अली अकबर के करीब आए, अजीब मंजर देखा, जवान बेटा सीने पे हाथ को रखे हुए, ए मेरे लाल ये सीने पे हाथ क्यों रखे हो, ए बाबा नेजे की अनी दिल में टूट गई है, ए अजीजो हुसैन आवाज देते, मेरे लाल लाओ मैं नेजे की अनी निकाल दूं। ये कह के हुसैन ने एक मरतबा आस्तीन को पलटा, लरसते हुए हाथ बाप ने जवान बेटे के सीने में डाला, अब जो नेजे की अनी या अली कह के खींची, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अरे हुसैन अली अकबर के मुंह पे मुंह रख देते हैं, अपनी गुर्बत का मातम करते हैं, अली अकबर का जनाजा उठाना चाहते हैं, मगर टूटी हुई कमर आवाज जा साथ नहीं देती। हुसैन ने किसी तरीके से अली अकबर को जब न उठा सके तो रिवायत कहती है अली अकबर के हाथों को अपने बाहों में डाल लिया और खींचते हुए अली अकबर को लेके खैमे की तरफ चले और एक मर्तबा किसी मंजिल पे आकर के आवाज दी, जब खैमा करीब आ गया, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अरे जवान का लाशा है बूढ़ा बाप, ए आज़ादारो अजब नहीं ये आवाज सुनी हो और ज़ैनब अपने अपने बाल बिखेर दिए, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा कड़ियल जवान जो 18 बरस की उम्र में दागे मुफारकत दे गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून, रिदन बिकदाई व तस्लीमन अल्अम्र। बारे ला तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का,
इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिन मरहूमीन के इसाल सवाब की मजलिस है, बारे लहा उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ए मेरे परवरदगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए मेरे परवरदगार हम सब को करबला शनास बना दे। मेरे परवरदगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, वारिस अहले बैत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तअजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफीक दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें, उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ। आप हजरात से फिर गुजारिश है, एक बार सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जिन मरहूमीन के इसाल सवाब की मजलिस है उनके अरवाह को इसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नाज़रीन, आपने इस मजलिस को समाअत फरमाया। मैं आखिर में मुल्तमिस हूँ एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह तौहीद की तलावत फरमा कर आप हजरात मरहूम मकफूर सैयद तकी अली जाफरी, मरहूम सैयद मुजफ्फर हुसैन जाफरी और मरहूमा अजीज़ुन्निसा बेगम और उनके जुमला अफराद ख़ानदान जो आज इस दुनिया में नहीं है और उनके साथ साथ तमाम मोमिन और मोमिनात जिस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी अरवाहे आलिया को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलाद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद व लम युलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.